नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। पूरी दुनिया एक बार फिर से मोदी के उस जलवे को देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी है जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से जमकर हो रही है। उस कार्यक्रम का नाम है हाउडी मोदी। ये कार्यक्रम अमेरिका के ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होगा और इसके लिए पिछले 1.5 महीने से तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। इस दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ भारतीय अमेरिकी लोगों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के जोश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके लिए 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस कार्यक्रम से पहले ही बौखलाया हुआ है और तिलमिला रहा है, और उसकी बौखलाहट इस कदर है कि वो इस कार्यक्रम में साजिश रचने की योजना भी बना रहा है, जिसको लेकर इमरान के जिहादी प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिका में पीएम मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम से पहले पाकिस्तान ने बड़े प्रोपेगेंडा का प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका जाने से पहले सऊदी अरब के मक्का पहुंचे हैं, तो वहीं ह्यूस्टन की मस्जिदों में जिहादियों की गोलाबंदी की जा रही है। ह्यूस्टन में जिहादियों के लिए 13 पिकअप पॉइंट तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान न्यूयॉर्क में प्रदर्शन की साजिश कर रहा है, इसके लिए भारी तादाद में मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स में जिहादी पहुंचे हैं और कार्यक्रम के विरोध की योजना बनाई जा रही है। यही नहीं बल्कि मोदी के विरोध के लिए इमरान खान ने अपने सलाहकार जुल्फिकार बुखारी को जिहादियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खैर, ये सब करना तो पाकिस्तान की फितरत में बसा हुआ है। उसे तो केवल अशांति और अपने गढ़ में आतंक पालने में ही मजा आता है। उसे अपनी कंगाली हालातों के बारे में कतई भी फिक्र नहीं है। पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान इन दिनों किस बदहाली से गुजर रहा है, जहां राजस्व कमाने के लिए भैंस, गाड़ी, गधे और कुत्ते तक बेचने पड़ रहे हों। लेकिन फिर भी ये आतंकी मुल्क अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खैर, इमरान खान आप कितने भी जिहादी एजेंडे तैयार क्यों ना कर लें, लेकिन भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे ये सब फुस हो जाएंगे। वैसे इमरान खान, आपकी औकात तो पूरी दुनिया को उसी दिन पता चल गई थी जब आप भिखारी बनकर हाल ही में अमेरिका गए थे। वहां आगवानी की बात तो छोड़िए, आपको एयरपोर्ट से लाने के लिए अमेरिकी प्रशासन की ओर से एक गाड़ी तक नहीं भेजी गई, जिसके बाद आपको मेट्रो में एक साधारण यात्री की तरह बैठकर जाना पड़ा। और बात रही पीएम मोदी की, तो जिस तरह से उनका अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों में जिस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, उस पर आपको नजर डालनी चाहिए। खैर, इमरान खान इस तरह के स्वागत के लिए अपने आप को और अपने देश की जनता को बनाना पड़ता है, उन्हें शिक्षित करना होता है, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना होता है, तब जाकर दुनिया में उनकी वजीर आजम और उनकी आवाम को ऐसा सम्मान मिलता है, ना कि अपने देश में आतंक को पालकर। हाउडी मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।